तो कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम लोग चिकन पॉपकॉर्न बनाते हैं, जिसके लिए मैंने 250 ग्राम लिया है बोनलेस चिकन और इस तरह से कट कर लिया छोटे छोटे पीस में। हाफ टी स्पून मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। हाफ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून विनीगर, हाफ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसमें हाफ कप के जितना दूध डाल दूंगी और इसे अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे कम से कम 2 घंटे, या अगर आपके पास में टाइम है तो ओवरनाइट के लिए आप मैरिनेशन के लिए रखते हैं। तो मैं इसे रख देती हूँ 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के लिए मैं रख दे रही हूँ इसे ढक करके फ्रिज में। चिकन को 2 घंटा हो गया मैरिनेट करके। इसमें अभी 1 अंडा डालूंगी। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अंडे को चिकन के साथ में मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। और चिकन के कोटिंग के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। इस बड़े चम्मच से मैंने 1 बड़ा चम्मच मैदा लिया है, 1/2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, और 1/2 से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है मैंने ब्रेड क्रम्ब, 1/2 टी स्पून नमक। नमक आप टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। ये मिक्स हर्ब है, 1 टी स्पून लिया है। अदरक का पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून, लहसुन का पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून, हरी मिर्च का पाउडर लिया है 1/2 टी स्पून। इसमें हमें पाउडर का ही यूज़ करना है, पेस्ट का यूज़ नहीं करना है। 1/2 टी स्पून मैंने लिया है रेगुलर लाल मिर्च, 1 पिंच बेकिंग सोडा, 1/2 टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, 1 टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए है, और ये 1/2 टी स्पून कुटा हुआ लाल मिर्च। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और ऑयल को भी हीट करने के लिए गैस के ऊपर में रख दिया है। ऑयल कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हो, सरसों रिफाइन, आपकी जो मर्जी आप वो ऑयल यूज़ कर लेना। तो चलिए अभी एक एक पीस ये चिकन का निकालूंगी और इस मैदे के ऊपर में जो हमने मिक्स करके रखा है रखूंगी। इसके पानी को नहीं निकालना है, बस चिकन के पीस को ही लेना है और उसके ऊपर में रखना है। मैंने चिकन के थोड़े से पीस इसके ऊपर में रख दिया है। अभी इसको अच्छे से कोट करेंगे। गीले हाथ का यूज मत करना, नहीं तो मैदा सारा गीला हो जाएगा तो चिकन के ऊपर में कोटिंग अच्छे से नहीं होगी। मैंने चिकन के ऊपर में अच्छे से मैदा लगा दिया। अभी हाथ से इसको ये करेंगे। बहुत ही इजी है बनाना, ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही टेस्टी बनता है और एक बार में ही आपका परफेक्ट बन जाएगा। जैसे जैसे मैंने बताया है, मैंने कम चिकन से बनाया है, अगर आप ज़्यादा से बनाओ तो हर चीज़ को ज़्यादा कर लेना। तो इस तरह से करके दूसरे प्लेट में रख देंगे। लहसुन अदरक का पाउडर और ग्रीन चिली का पाउडर बहुत ही आराम से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। एक बार मंगाओगे तो आप बहुत दिन तक यूज़ कर सकते हो उसको। सभी चिकन पॉपकॉर्न को मैंने मैदे के अंदर में अच्छे से कोट कर लिया है, ऑयल भी हीट हो चुका है। तो चलिए इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। ऑयल को मैंने अच्छे से हीट कर लिया है और एक एक पीस चिकन का डालेंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे। ऑयल को हीट करने के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर कर दिया है। चलिए इसे फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। इसे थोड़ी देर ऐसे ही रहने दें, तुरंत इसे स्पून नहीं लगाना है। 2 मिनट वेट कर लें, उसके बाद फिर स्पून लगाएंगे। फ्लेम को बिल्कुल कम कर दिया है हमने। 2 मिनट हो गए तो थोड़ा सा इसे स्पून से इस तरह से चला देंगे, हल्का सा। और अब दूसरे साइड भी टर्न करके इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे।
फ्लेम को बिल्कुल कम पे रखना है, नहीं तो अंदर से चिकन कच्चा रह जाएगा और ऊपर से लाल हो जाएगा। ये फ्राई हो गया तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ऑयल को वापस से अच्छे से हीट करेंगे और बाकी जो भी बचा हुआ है चिकन पॉपकॉर्न उसे मैं फ्राई कर लूँगी। अगर दोबारा पीस डालना हो तो अच्छे से ऑयल को हीट करके उसके बाद ही डालना। चिकन पॉपकॉर्न बन करके रेडी हो गया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो पसंद आए तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। बनाइए इसे और इन्जॉय कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में। ये बहुत ही टेस्टी बना है और ऊपर से क्रंची अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बना है। ये देखिए बहुत ही अच्छा बना, बहुत ही ईजी है बनाना, तो ज़रूर ट्राई कीजिए।